देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। रेप पीड़िता को जान का खतरा। आपको बताते चले, बरेली थाना बरादरी के रेप पीड़िता ने एसएसपी से मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 6 जुलाई को लगभग 5 बजे सुबह घर में झाड़ू लगाते समय जबरदस्ती पीड़िता के मुंह में कपड़ा बांधकर अपहरण कर कार में डालकर ले गए। पीड़िता को जंगल में ले जाकर चंद्रकेश पुत्र धर्मपाल, रवि पुत्र धर्मपाल, शिशुपाल पुत्र धर्मपाल व अमित पुत्र दरबारी सिंह निवासी गढ़ गोसाई कोटिया थाना बरादरी जिला बरेली ने जबरदस्ती बारी बारी से बलात्कार के विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट की। साथ सीने पर तमंचा रखते हुए कहा कि यदि तूने भागने का प्रयास किया तो तुझे व तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। तथा पीड़िता के परिवार वालों के विरोध पर उक्त लोगों ने पीड़िता के पिता व भाइयों के साथ मारपीट की तथा अब उक्त पुलजान पीड़िता व उसके परिवार जनों को धमकी दे रहे हैं कि तू मुकदमा वापस ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। थाना पुलिस से हमारी बात हो गई है, वह हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी तथा पीड़िता के परिवार को मोहल्ले से भगा देने की ऐलानिया धमकी दे रहे हैं, जिस कारण प्रार्थनी व उसके माता पिता काफी भयभीत एवं परेशान है, जिसके कारण पीड़ित लड़की ने उक्त बाद में वंचित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उसने कहा कि यदि मुलजिमान की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की गई तो मुलजिमान उसके व उसके परिवारजनों के विरुद्ध कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। बरेली से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या मामला है जो आज आप एसएसपी ऑफिस आई हैं? कौन लोग थे वो? सर वहीं के थे, उनका नाम है चंद्रकेश और रवि, शिशुपाल। तुम उनको पहले कभी नहीं जानती थी? वहीं पे रहते हैं, मैं तो नहीं जानती थी उन लोगों को इतना। कहाँ ले गए थे? कहाँ ले गए थे? लेकर कहाँ गए थे? महानगर से आगे जंगल की तरफ ले गए थे। कितने? दो लोग थे? चार लोग थे, चारों ने मेरे साथ। जब मैं तुमसे छटके भागे तो उन्होंने मुझे मारा, तो उन्होंने गन भी रख दी थी मेरे ऊपर, धमकी दे रहे थे बाबा तेरे घर वालों को मार दूंगा, ये है वो है, मार दूंगा। बरेली के ओला में एटीएम काटने का प्रयास कर रहे बदमाशों ने गश्त कर रहे ऐसा ही पर फायर।